हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम 12th क्लास का चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन है स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो ये इक्वेशन ऑफ किसी भी कर्व की होती है और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव कीजिए 3x स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर। जैसे ही आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा 4 3 12 - 1 11, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। उसके अंदर देखिए कर्व की इक्वेशन है, तो इसका डेरिवेटिव कीजिए dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। एट x इज इक्वल टू 3 है तो 3 पुट कर देते हैं, 3 3 9 9 3 27 माइनस 3 24 इज द आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके अंदर देखिए एक्स और वाई गिवन है, पेरिमेट्रिक फॉर्म है, तो डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड किया तो ये हो जाएगा हमारा, पावर से कर रहे हैं, पावर आगे आ गई कोस स्क्वायर थीटा, और कोस का होता है स्टूडेंट माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं dy बाई डी थीटा फाइंड करने की। dy बाई डी थीटा के अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर पावर आगे आएगी 3a साइन थीटा, ठीक है, और फिर ये साइन का होता है कोस थीटा। अब अपने को dy बाई डी एक्स की जरूरत है तो दिस डिवाइड बाई दिस करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई, ये हो जाएगा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब यहां से 3a से 3a कैंसिल, एक cos से cos, एक साइन से साइन, तो साइन बाय cos बच गया, यानी कि माइनस का टेंजेंट थीटा। थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 है, पुट कर देते हैं माइनस, पाई बाय 4 पे टेंजेंट 1 होता है, देन 1 माइनस 1 इज द रिक्वायर्ड स्लोप, ठीक है। यदि स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछते हैं तो जो भी स्लोप हमारे आते हैं ना, उनका नेगेटिव का रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।